सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम न्यूज़लाइन विद आफ्ताब मुगेरी के साथ मैं हूं मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, रोज़ाना की तरह अहम इश्यूज़ के ऊपर इस प्रोग्राम में बात की जाती है और आज जो बात की जाएगी वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जो 70% से ज़ायद रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में जमा करता है, मगर उस कौमी ख़जाने के जो खर्चे हैं जो कौमी ख़जाने से जो बातचीत की जाती है, जो पाकिस्तान के लिए बजट निकाला जाता है, उसमें कराची के लिए कुछ खासा बजट नहीं रखा जाता। कराची की जो सूरत हाल है वो जूं की तूं रहती है और कराची के बासी इसी उम्मीद में रहते हैं कि हर आने वाली हुकूमत हमारे लिए कुछ बेहतर करती हुई दिखाई देगी, मगर कराची के लिए बजट रखा जाता है, फिर उसके बाद उस खर्चा नहीं होता, वो बजट सिर्फ लोग लूटते हुए दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद करप्शन का नाम देकर उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाती हैं, मगर वो पैसा वापस नहीं आता, वो बजट वापस नहीं निकाला जा सकता जो कराची के ऊपर खर्च किया जा सके। कराची आज भी उसी तरह दिखाई दे रहा है जैसे पहले दिखाई दे रहा था। पिछली दौरे हुकूमत में भी जो सूरत हाल थी कराची की, शहर में कचरा मौजूद था, सड़कें टूटी फूटी थीं, लोग परेशान थे और जिस तरह से कहा जाता है कि कराची शहर जो रात भर जागता था और वो अब शायद रात भर सोने के काबिल भी नहीं रहा है, क्योंकि शहर में गंदगी इतनी है, गलाजत इतनी है, बदबू इतनी फैल चुकी है और कचरा अभी भी मौजूद है। इदलजा के बाद अलाइशें अभी भी सड़कों पे मौजूद हैं। कचरा उठाने के लिए मुहिम शुरू की गई, मगर वो कचरा उठा के मुख्तलिफ जगहों पे डंप करने की जगह लोगों के पार्क्स के अंदर, जो शहरियों के लिए पार्क्स बनाए गए थे, उसमें डंप किया जाने लगा और मुहिम वहीं की वहीं मौजूद रही। शहर की मौजूदा सूरत हाल क्या है अब और इस पर किस तरह से काम किया जा रहा है? जिस मुहिम का आगाज़ किया गया था, क्लीन कराची, दूसरी एक नीली जैकेट के नाम से एक मुहिम शुरू की गई थी सिंध हुकूमत की, उस पर क्या सूरत हाल रही, किस तरह से काम किया जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, गैस हमने मदद किया है आज के इस प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साहब का ताल्लुक है, खुश आमदीद कहेंगे इनके साथ। वीर जी कोहली साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, खुश आमदीद कहेंगे आप। नुसरत वाहिद साहिबा बैठी हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। जो मौजूदा सूरत हाल है मिर्ज़ा इश्ताक बेग साहब, क्या नज़र आ रहा है आपको? क्या शहर की सफाई सिर्फ सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है? वफाक हुकूमत क्या कर रही है और जो शहरी हुकूमत है वो कहाँ है, क्योंकि शहर का जो हाल है वो वैसे का वैसे ही मौजूद है। दर देखिए, आज आपने जो तमाम देखा, जो एक प्रेजेंट जो मेयर है और जो फार्मर मेयर को एक दूसरे के वो बतला रहे हैं कि आपने क्या किया और आप किन चीज़ों में इंडल्ज थे और हम दूसरा इनका बतला रहा। देखिए, कराची के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। वो शहर जो 70% रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे पाकिस्तान का, लाहौर को आप कभी अगर लाहौर जाएं और रात को ड्राइव करें तो आप यकीन करें कि आपको लगता है कि आप किसी वेस्टर्न शहर के अंदर जो है ना आप ड्राइव कर रहे हैं, और कराची वाले जब लाहौर से होके आते हैं तो एहसास महरूमी का शिकार होके आते हैं। आज यहाँ पे जब नून की हुकूमत थी, 50 अरब रुपए दिए गए थे ख़ास तौर पे कराची के लिए, और जिसमें एक ग्रीन, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो भी क्या हुआ कि अभी तक कोई कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि लास्ट ईयर ये खबर आई थी कि कुछ 5-10 बसें जो थी वो जनाब, मतलब जबकि बातें हो रही थी सैकड़ों बसेस की, 10 बसें और 50 अरब का जो बजट पे 5 साल दौर विफाक में नून लिख की भी रही, तो विफाक की उस वक्त भी बात उठती रही कि विफाक जो सूबों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है और कुछ अच्छा सलूक नहीं देखा जा रहा, बजट नहीं दिया जा रहा, तो उस वक्त ये बेहतरी क्यों नहीं की गई? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो सूबों के पास आ गई हैं, और ये वफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको हेल्थ जो है, ट्रांसपोर्ट यह है वो करे। बट जब उन्होंने ये देखा कि कराची के साथ क्या हो रहा है तो एटलीस्ट एक अमाउंट वक्फ किया था, मगर उसमें यह था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी उसके अंदर कुछ हेल्प करेगी, और वो ये हुआ कि प्रोजेक्ट जो था वो सेंटर का था और बसेस जो सप्लाई करनी थी उसने की थी, वो अभी तक नहीं हुआ। आप देख लें कि कराची के शहरी क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, और अब ये जो
الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑا مذاق ہو رہا ہے کراچی کے ساتھ، اور یہ جو روزانہ دکھایا جا رہا ہے کہ جی ہم آ گئے ہیں اور کچرا صاف کر دیا، یہ بھی سب لوگوں کو دکھانا۔ دیکھیے، ہمیں پیپلز پارٹی سے اتنا زیادہ کراچی کے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، ریزن بینگ کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ ہمیں کراچی سے اتنی سیٹس نہیں ملی ہیں کہ وہ جسٹیفائی کریں کہ وہ اماؤنٹ جو ہے جو کراچی پہ خرچ ہونا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ مگر مجھے شکایت جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے، جب آپ کو اتنی سیٹس ملی ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی کچھ بہتر کام نہیں کیا۔ پی ٹی آئی سے بھی بات کریں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی سے اگر بات کریں تو 11 سال مسلسل حکومت رہی، شہر کی صورتحال پہلے بھی ایسی تھی، ابھی بھی ایسی ہے، اور مستقل ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی ہے، شہری حکومت، سندھ حکومت، صوبائی حکومت، وفاق حکومت، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ کب تک الزام تراشی ہوگی؟ کب بہتر ہوتا ہوا دکھائی دے گا؟ دیکھو، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جو سیاست ہوتی ہے وہ صرف ایشوز کے بنیاد پہ ہوتی ہے، ایشوز کے بنیاد پہ سیاست نہیں ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ سیاست جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور ایک سنجیدگی سے ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں بھی کوئی ایک ایشو آ جائے تو آپ اس کو، کیونکہ آپ نے سیاسی طور پہ کوئی اور پارٹی ہے جس کی حکومت ہے، تو اس کو ٹارگٹ بنانے کے لیے آپ لوگوں کو تباہ کر دیں، علاقوں کو تباہ کر دیں، شہروں کو تباہ کر دیں، اور اس حد تک چلے جائیں سیاسی اپوزیشن کے بنیاد پہ، اس حد تک چلے جائیں کہ آپ سیاسی اپوزیشن نہ کریں، آپ ریاست کے خلاف ہو جائیں، کہ یہ جو ہے نا وہ بہت گھٹیاپن ہوتا ہے سیاست میں۔ اور یہ اتفاق سے ابھی ہم میئر صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ جو طریقہ ہے، آپ نے کوئی ٹیکس نہیں دینا ہے، اور وہ حکومت سے پہلے عمران خان صاحب ایسا کرتے تھے۔ تو یہ حکومت کے خلاف اپوزیشن نہیں ہوتی ہے، یہ اسٹیٹ کے، ریاست کے خلاف بغاوت ہوتی ہے۔ یہ سول نافرمانی بہت خطرناک چیز ہوتی ہے اور وہ ریاست کے خلاف ہوتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی ایشو پہ سیاست نہیں کرتی ہے۔ دیکھو، جتنا حیدرآباد کو ابھی میئر ہے نا یہاں پہ، تو جو میئر حیدرآباد کے ہیں، جو میئر لاڑکانہ کے ہیں، جو میئر سکھر کے ہیں، جو ہر شہر کے سکھر ہیں، جس طرح کے کراچی کی جو صورت حال ہے، گٹر کی پولیٹکس ہوتی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، ابھی بھی شہر کا حال ویسے کا ویسے موجود ہے۔ کون جواب دے گا؟ ایشو کے اوپر اگر سیاست نہیں ہوگی تو کیسے ہوگا؟ میرے بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، جس کا جو کام ہے وہ اپنے اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا۔ یہ ممکن ہے، کیونکہ جو پچھلی جو بارشیں ہوئی تھیں تو میری اپنا ڈیوٹی لگ ہوئی تھی حیدرآباد میں، تو وہ میں بار بار بتا چکا ہوں، کئی بار میں نے بتایا کہ وہاں ہم نے بندے پکڑے، اور قاسم آباد تھانے پہ بھی آپ فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں اور تصدیق کر سکتے ہیں وہ بندے کس کے تھے اور کیوں وہ گٹر نالے بند کر رہے تھے۔ گٹر نالے بند کرنے کا سلسلہ تو ابھی بھی جاری ہے، پہلے بھی موجود تھا۔ مجھے یہ بتائیں، بوریاں اس کو پائی جاتی تھیں، لیکن الزام تراشی آج بھی جاری ہے، ایک دوسرے پہ الزام جاری ہے کہ فلاں بندے نے کر دیا، فلاں بندے نے کر دیا۔ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں میرے بھائی، میں نے بندے پکڑے ہیں وہاں سے اور میں نے پولیس کے حوالے کیے ہیں، اور ان بندوں آپ پولیس سے معلوم کر سکتے ہو کس کے بندے تھے، حوالے کیے تھے۔ تو یہ حکومت میں ہے، اس کو میں کب کریں گے پھر اس کے خلاف کام؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ اس کی ہوتے ہیں موقع پرست کی سیاست۔ موقع پرستی کی سیاست یہ ہوتی ہے کہ آپ کیونکہ نالے بند کرو، وہ پانی باہر نکلے اور ایک جگہ سے آپ کچرا نکالو، دوسری جگہ پھینکو، تو وہ ٹی وی پہ دکھائیں، یہی ایشو بنے گا، اسی کے اوپر پھر سیاست ہوگی۔ اس کو سیاست آپ شہروں کو تباہ کر دیں گے، گلیوں کو تباہ کر دیں گے، لوگوں کو تباہ کر دیں گے، سیاست جائیں گے۔ وفاق کے اوپر بھی انگلی اٹھ رہی ہے، آپ سے جاننا چاہیں گے نصرت باہدہ صاحبہ، آپ سے کیا پی ٹی آئی مزید بہتر کرنے کی طرف جا رہی ہے؟ پہلے بھی اعلانات کیے گئے، علی زیدی کی مہم شروع ہوئی، اس کے بعد سندھ حکومت نے مہم شروع کری نیلی جیکٹ کے نام سے، مگر وہ مسلسل ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ابھی بھی بہت سے الزامات لگ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مہم ہے ناکام ہو چکی ہے۔ سعید غنی صاحب نے بھی کہا ہے کہ شہر کو گندا کرنے کی مہم کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے چانس دیا اپنے پروگرام میں بات کرنے کا۔ دیکھیں، جہاں تک وفاق کی ذمہ داری ہے، وفاق اس وقت بہت زیادہ تیزی سے کام کر رہا ہے۔ ہمارے پی ایم نے جو وفاقی وزیر ہیں علی زیدی صاحب، ان کو یہ پروجیکٹ دیا ہے کہ وہ کراچی کی صفائی کا کام کرے، اور آپ یقین کیجئے میں دن رات ان کی چیزیں دیکھ رہی ہوں اور خود بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں کہ اس قدر زیادہ جگہوں سے ان لوگوں نے گند اٹھایا ہے، اور جو جہاں پہ ڈالا گیا ہے وہ ایکچولی سندھ حکومت نے ان کو وہ جگہ ایلوکیٹ کی تھی کہ آپ یہاں پہ وہ کچرا ڈالیں۔ لیکن میں آپ کے پروگرام کے تاثر سے صاحب نے تو کہا ہے کہ ہمیں تو جگہ بتائیں، ہم کچرا ڈمپ کریں گے، لیکن کچرا تو پارکس میں موجود ہے ابھی، دیکھا جائے۔ میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں، میں ایک سجیشن دینا چاہتی ہوں علی زیدی صاحب کو بھی، باقی تمام لوگ جو کوڑا اٹھا رہے ہیں اور صفائی کر رہے ہیں، کہ شہر سے باہر کوئی جگہ ڈھونڈیں جہاں پہ زمین کھلی ملے، اس میں بڑے بڑے گڑھے کھودیں جس کو خندق کہتے ہیں، اور اس میں وہ کوڑا ڈمپ کریں۔ 6 مہینے بعد جب اس کو نکالیں گے تو اچھی خاصی آپ کو کھاد بھی مل جائے گی۔ جو پلانٹیشن کے لیے بہت اچھی پریزنٹیشن ہے کہ جگہ بتائیں کراچی کے، مگر ابھی بھی صرف سجیشن جاری ہے، کوئی عملی اقدامات نہیں ہو رہے۔ کام کر تو رہے، آپ نے دیکھا ہے سارے نالے صاف تقریباً ہو گئے ہیں،
वहां पे जाके गनी साहब खड़े होके कह रहे हैं ये आपके चीफ सारे नाले साफ कैसे हो गए? अब बारिश हुई, सड़कों पे पानी मौजूद था, पानी ही मौजूद था, नाले भरे हुए थे, सफाई नहीं हुई, कचरे का पहाड़ नालों के पास मौजूद था। जब तक पॉलिथिन बैग्स का रिवाज खत्म नहीं होगा पाकिस्तान से, कराची से खास तौर पे, तब तक आप जितनी मर्जी सफाई कर लें वो दोबारा स्टक हो जाएगा और दोबारा गंद होगा। अभी तो निकाल के उन्होंने बाहर रखे थे कि उसको डंप करना है कहीं पे, जो भी जगह उनको बताई जाएगी उस पे, लेकिन दोबारा उतनी ही शदीद बारिश हो गई जिससे बिल्कुल सब कुछ दोबारा तबाह बर्बाद हो गया। सबको पता था बारिश पहले ही होने वाली है, और पता तो था, लेकिन अभी हमारे साथ चैनल प्लान पे हमें ज्वाइन किया है कितने सालों से एमक्यूएम पाकिस्तान के साजिद अहमद साहब हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शहर की जो मौजूदा सूरत हाल है, कचरा जूगा मौजूद है, सफाई सुथराई के हवाले से मेयर कराची अभी भी रोना रो रहे हैं, इख्तियारात का, वसाइल का, बजट का, कौन साफ करेगा, कहां पर सफाई पहले शुरू होगी। पहले बड़े बड़े दावे किए गए थे मगर दावे अब वो बारिश के पानी में बहते हुए दिखाई दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेयर साहब जो रो नहीं रहे चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं दुनिया को कि देखें ये 3 करोड़ की आबादी का शहर है और इस शहर के साथ मुस्तकिल तौर पर, मुस्तकिल मिजाजी के साथ बल्कि ज्यादती नाइंसाफी हो रही है। इस शहर के अंदर सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट गुज़्ता 11 साल उनको चल रहा है और 11 साल के दौरान उन्होंने इस शहर को तबाह कर दिया है। मिसाल के तौर पर अब वाटर बोर्ड को सिंध गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया है कि वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगा, तो लगता ऐसा है कि वाटर बोर्ड को सिंध गवर्नमेंट ने अपना गुलाम बना लिया है और तमाम ऊपर से नीचे तक उनके गुलाम बैठे हुए हैं। वो गुलाम को जैसा इशारा करते हैं गुलाम वो वही करते हैं। इस तरह से इन्होंने इस इदारे को तबाह कर दिया, वाटर एंड सेविज बोर्ड को, जो कि इस शहर का बेस है। सर वाटर बोर्ड की बात तो हो ही नहीं रही ना यार, सिर्फ वाटर बोर्ड की बात तो हो नहीं रही। वाटर बोर्ड तो पहले आपके पास भी आया था, उस वक्त भी सूरत हाल जो की तो मौजूद थी, आज पूरे शहर की बात हो रही है। शहर में सिर्फ वाटर बोर्ड का मसला नहीं, पीने का पानी तो बाद में खड़ा हुआ, पहले पानी बारिश का जमा हुआ। मेरे भाई मैं आगे जा रहा हूँ ना, आगे जा रहा हूँ। जिस तरह इस मरतबा कराची में बारिशें हुई, अच्छा वो रहमत भी बातों का रहमत बन जाती है जी। तो फैब्रिक का निजाम ही सही नहीं ना, फैब्रिक का निजाम के लिए हम रोना रो रहे हैं भाई। दुनिया के अंदर सिटी गवर्नमेंट के अंडर में ये आप देना इसको, सिटी गवर्नमेंट के अंदर में हुकूमत से इनको चाहिए। अच्छा दूसरी तरफ ये मुझे नहीं पता मेरे कौन भाई बैठे पीपल्स पार्टी के, इन्होंने कहा कि वीर जी कोहली साहब हैं पीपल्स पार्टी से एमपी हैं, और इन्होंने अभी मैंने सुना कि बोरियां मैंने खुद निकाली हैं। मेरे भाई इस शहर के अंदर, ये शहर उर्दू बोलने वालों का शहर है, इस शहर में और जमात और मुख्तलिफ जबानों के लोग रहते हैं, क्या कोई जमात ये चाहेगी कि जिस शहर में उनके वोटर सपोर्टर हमदर्द हों उस शहर को गंदा करे, वहाँ नालों और उसके अंदर सर्विस की लाइनों के अंदर बोरियां फिट करे? ऐसा नहीं हो सकता, झूठे इल्जाम है। अच्छा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को गुज़श्ता 11 साल से इन्होंने किया क्या है इस शहर के साथ, इन्होंने सूबे के साथ किया, क्योंकि इनसे पूछे तो इन्होंने कहा 1000 अरब रुपए, हमने कि 1000 रुपए कहीं लगे हुए नहीं दिखाई दे रहे। मेयर कराची अगर आज इख्तियारात का, मेयर कराची को 1.2 अरब रुपए निकासी आपकी सूरत हाल बेहतर करने के लिए भी मिले, उस हवाले से क्या सूरत हाल रही निकासी आपका निजाम अभी भी जू को तो मौजूद है? देखें मेयर कराची को सिंध गवर्नमेंट जो पैसे दे रही है वो सिर्फ जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह और पेंशन के पैसे बांटने के लिए, यानी मेयर को इन्होंने इस तरह से पावरलेस कर दिया है, इस पूरा सिस्टम को इन्होंने पैरालाइज करके रखा हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने। होना ये चाहिए कि 11 साल के दौरान इस पूरे कराची नहीं, हैदराबाद नहीं, मेरे को खास नहीं, बल्कि पूरे सिंध के अंदर अंडर पासेज, ब्रिजेस, ठीक है वीर जी कोहली साहब से बात करेंगे कि अगर ये तमाम सूरत हाल रही तो क्यों काम नहीं किया गया, जिस तरह से अभी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर सीमेंट की बोरी निकली है तो कार्रवाई करें, क्यों करेंगे कार्रवाई? फिर नहीं, मसला ये है कि देखो इश्यूज़ हैं, गटर नाले पानी बहता है, बंद हो जाते हैं, चलते हैं, प्लास्टिक बैग फंस जाती हैं, जो भी चीज़ें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका जो काम है वो उसको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए बजाय के सियासत करे। अब मेयर साहब के पास जितना भी पूरा उनके अमला है या नीचे तक, मुझे बताएं कि क्या अगर एक नाला तो वो जो चीफ मिनिस्टर आके साफ करेगा, नाला कौन साफ करेगा, कचरा उठाना किसकी जिम्मेदारी है, इस हवाले से चले आप आगे करते हैं। पूरा स्टाफ देखो, एक दिन एक मिनिस्टर, लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट देता है तो अगले दिन वाटर बोर्ड का जो MD है वो उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है, हालांकि वो उसके अंडर काम करने वाला बंदा है।
तो ये जो टकराव है ना, ये इदारों का वेफ तबाही करता है। टकराव है इदारों का, नाला जो है वो मेयर कराची साफ करेंगे, कचरा सॉलिड वेस्ट बंदे हैं, लोग हैं, बंदे करेंगे, कहाँ है? अब मुझे बताएं कि उनकी तनख्वाहों पे खर्चा हो रहा है, काम नहीं होता दिखाई दे रहा। मुझे ये बताएं कि मैं वो एक दिन देख रहा था टीवी पे, तो वो वहाँ के कह रहे हैं कि अगर क्योंकि नाले साफ नहीं हो रहे इसलिए कराची को वफाक के अंडर दे दिया जाए, क्योंकि नाले साफ नहीं इसलिए 18वीं तरमीम को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि नाले साफ नहीं इसके सिंध हुकूमत को इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं होता है। मुझे ये बताएं कि आप उन पे इश्यूज पे सियासत ना करें, जिसके अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लें और काम करें। जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही, जिम्मेदारी के लिए सिर्फ इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मेयर कराची साहब कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत काम नहीं कर रही, सिंध हुकूमत कह रही है कि वफाक हमारे नहीं कर रही, नहीं कर रही, तो मेयर साहब अपनी प्रोग्रेस तो दें कि मेयर साहब ने क्या किया, वो तो अपनी प्रोग्रेस इख्तियारात दिए आपने, फिर कौन से खिलाफ आपको? वो तो मुसलसल कह रहे हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, बजट नहीं है, फंड नहीं है, पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है। का पूरा सिस्टम किसके पास है? क्या उनके फंड्स जो हैं उन्हें नहीं मानते उनकी चीज? फंड्स जो है सबसे बड़ी चीज उनकी, जो वो कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं आ रहे, क्योंकि डेफिनेटली अगर उनको देखिए, हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब बारिश आ जाती है तो फिर हम खड़े होते हैं और ये नालों को साफ करते हैं। पूरी दुनिया में प्रीएम्प्ट होता है, यानी कि हमें मालूम होता है कि एक सीज़न आएगा बारिश का और ये तमाम चीज़ें होंगी, हमें चाहिए उसकी पहले से हम तैयारी करें, और हम बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं। और ये सिर्फ दिखाया जा रहा है कि जनाब देखिए हम कितना ज़्यादा वो कर रहे हैं, ये सिर्फ एक दिखावट है, इल्ज़ामात हैं जो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, कोई सिंसियर नहीं है एक दूसरे के साथ। कराची के साथ अभी तक कोई बेहतरी आपको नजर आई है, चाहे वो कचरा में नजर आई हो? और फिर देखिए कराची मुताहिर प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ ये नहीं है, कराची की एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पानी की है। इस वक्त कराची के अंदर बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, और लोग टैंकरों से, मतलब बड़े बड़े पॉश इलाकों में टैंकरों से लोग जो है टैंकरों से पानी ले रहे हैं। उसके ऊपर भी कहा गया था कि पीटीआई जो है हम एक अमाउंट मुख्तस कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, डिसैलिनेशन प्लांट लग जाएगा, वो भी कुछ नहीं हुआ। तो ना हम ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर पाए हैं, ना हम कचरे का मसला हल पाए हैं, ना हम वाटर का मसला हल कर पाए हैं, और सिर्फ हम जो हैं वो रोज़ाना सुबह आके रोज़ाना मसाइल का सामना रहता है। कोई ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं हो रहा है, शहर का जो मौजूदा मसला है सीवरेज का, नाले का, कचरे का मौजूद है, मुहिम शुरू की गई। आपसे जानना चाहेंगे नुसरत वाहिदा साहब, क्या चंदे से क्या चंदे से कराची की सफाई हो सकती है? देखिए चंदे की बात नहीं है, बात यह है कि इस शहर को एक प्लानिंग के तहत तबाह किया गया है। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी होना चाहिए था, ये हब है पाकिस्तान का, 80% आपको पता है इकॉनमी यहाँ से जाती है, सारा कुछ पाकिस्तान को ये सपोर्ट करता है। इसको ख़त्म करने के लिए दुबई को देख लें, इस्तांबुल को देख लें, किस तरह उन्होंने तरक्की की है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये जान तो के तबाह किया गया है। कैसे होगी? वफाक पैसे क्यों नहीं दे रहा फिर? वफाक के पास अपने पैसे हो तो वो देना, वफाक को तो सारा लूट के खा के खाली करके गए हैं। अब कहीं जाके तो एक साल के बाद 70% से ज्यादा रेवेन्यू दे तो रहा है कराची, दे तो रहा है, लेकिन वो उस आपको पता है कि रोजाना 6 से 7 अरब डॉलर सिर्फ सूद की मद में दिया जाता है, कर्जा तो अपनी जगह पे रखा हुआ है। हमें अभी इस वक्त बेइंतहा पैसे की जरूरत है, और अभी जैसे खान साहब ने कहा है कि कर्जा भी लिया गया तो कराची की और पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए लिया गया ना, प्रोग्रेस बेहतर करने के लिए, तो होगी। अब देखिए एक साल में आप क्या समझते हैं कि इनके 30 साल का जो गदर मचाया हुआ है वो हम एक साल में ठीक कर देंगे? कोई मैजिक तो है नहीं, 30 साल नहीं 12 साल पहले का। आप इसकी PMLN की हुकूमत देख लें, इनकी हुकूमत देख लें, कब से हैं ये, कम से कम 30 साल तो हो गए, 6 दफ़ा के वो चीफ मिनिस्टर हैं, 3 दफ़ा के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये खुद सदर पाकिस्तान रह चुके हैं, उसके अलावा इनके सूबे में हमेशा से हुकूमत है, तो किस किस्म की बात है? ये लोग जान के सब कुछ करते हैं। आप लड़काने की हालत देख लें, जिसके नाम पे इन्होंने कमाया है और जिसके नाम पे ये भुट्टो के जिंदा रखा हुआ है, वहाँ की सूरत हाल तो सबके सामने ही है, सबके सामने है, साजिद साहब से जानना चाहेंगे जो कराची की सूरत हाल है। साजिद साहब, मेयर आपके पास और सूरत हाल आपके पास, लेकिन वसाइल बजट वैसे के वैसे कम नहीं, बढ़ नहीं रहे, कम के कम होते जा रहे हैं, मिल नहीं रहा, और जो शहर की जो सूरत हाल है सफाई करने के लिए वो वैसी की वैसी है, अभी तक कोई इख्तियारात इस्तेमाल नहीं हुए। और कहा जा रहा था कि जहां इस्तेमाल हो रहे हैं, इख्तियारात दिए गए हैं, वो कौन सी जगह थी, इस हवाले से भी जरा निशानदेही कीजिएगा। ये आपने मुझसे सवाल किया? जी जी, हेलो जी साहिब साहब, आपसे बात की है। देखिए मेयर के गुज़श्ता 3 सालों से इख्तियार तो है नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के तवसुल से मुतालबा करूंगा जी कि खुदारा आइन के आर्टिकल 147 ए के तहत
बल्दियात लोगों को अख्तियार दिलवाएं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल। सर सिर्फ यहाँ ये जानना चाह रहे हैं, कराची के मसाइल हल करने के लिए जो इख्तियारात आपके पास थे, वो इख्तियारात क्या इस्तेमाल करके मसाइल हल किए गए? कितने मसाइल थे जो ऐसे हल हुए हैं? कराची वालों को इस चीज से थोड़ी सी उम्मीद थी कि मसाइल हल होंगे, हुए क्या वो? अव्वल तो 3 सालों के दौरान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने की ही नहीं। अच्छा, जितने भी वसाइल बल्दियाती लोगों के पास हमारे थे, उन्होंने कोशिश की पूरी कि वो उन मसाइल को रिजॉल्व करें। सर कौन से मसाइल रिजॉल्व हुए? सिर्फ एक दो नाम ही बता दें सर, कोई एक दो मसाइल जो रिजॉल्व हुए हो। जिस तरह से 3 करोड़ की आबादी वाला शहर, इसको सबने लावारिस छोड़ा हुआ है। तो सर हल बता दें, सिर्फ आपने ऊन करा, आपने ऊन करके हल किया है, कोई एक दो ऐसे मसाइल जो इख्तियारात इस्तेमाल करके हल किए गए हों? इस शहर के मुकामी लोगों ने आवाज बुलंद की है यहाँ पर। अच्छा, अब अगर मेयर के पास जो इख्तियारात थे जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो चूसी की डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, टाउन की सतह पर, जो भी थोड़े बहुत इख्तियार थे, उसमें रोडें हों, उसमें सीसी प्रूनिंग हो, उसमें सैवरेज के थोड़े बहुत काम हो, उसमें सिटी गवर्नमेंट के अंडर में जो स्कूल हैं उनकी वर्किंग के हमारे से जो काम हो, ठीक है सर, ये तमाम इख्तियारात, ये तमाम काम जो अभी आपने गिनवाए हैं, कोई एक भी इसमें से हुआ क्लियर? लेकिन जो शहर पूरे पाकिस्तान को पालना है, उसको भीख नहीं दी जाए, वो भीख नहीं मांग रहा किसी से, बल्कि वो उसका हक है कि उसको दिया जाए वो सब कुछ, क्योंकि उसका हक बनता है, वो सब कुछ उसको दे, उसको अंडर पासेस, उसको ब्रिजेस, उसको रोजगार, उसकी आबादी को सही काउंटिंग करें। 3 करोड़ की आबादी को 1.5 करोड़ काउंट किया गया, के जुल्म ज्यादती नहीं है। जुल्म ज्यादती है, आबादी भी कम काउंट की गई, मसाइल भी ज्यादा है, बजट कम है, और जो शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेयर के पास जो इख्तियारात थे वो थोड़े से इख्तियारात भी इस्तेमाल करके बहुत थोड़े से काम को अंजाम दिया, मगर वो काम भी अभी तक नहीं गिनवाए जा सके। शहर की मौजूदा सूरत हाल क्या है? आज होने वाली तुवा गमाल की जानिब, तुवा गमाल में उन्होंने आर्मी चीफ से जो शहर की सूरत हाल है वो बेहतर करने के लिए आगे आने का कहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। आपको आगाह करते चले तो शहर की जो सूरत हाल है वो जूं की तू मौजूद है और इस पे अभी तक कोई काम नहीं किया जा सका। टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे साजिद अहमद साद, एमकेएम पाकिस्तान से, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आज होने वाली जो मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर बात करेंगे कराची के सूरत हाल के ऊपर और आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से की गई, और उसमें एक मुतालबा किया गया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कि जो कराची का जो मामला है उसे टेक ओवर किया जाए, सूरत हाल को बेहतर किया जाए और तमाम मामलों को संभालने के बाद जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ही रखा जाए। और उन्होंने मेयर कराची के हवाले से भी कहा कि उनका नाम ECL में डाला जाए, उनको फौरी तौर पर जो उनके पास इख्तियारात हैं भी तो वो वापस लिए जाएँ और उन्हें अलग हटाया जाए और तमाम काम जो हैं वो आर्मी चीफ को संभालने चाहिए। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। क्या लगता है आपको, जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आर्मी चीफ को कराची का कंट्रोल संभालने का कहा गया, क्या हर मामले में आर्मी को लाना सही होता है? मेरे ख्याल से लोगों ने उसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया, रीज़न बीइंग कि हम ये आर्मी का काम नहीं है कि वो हमारे अब इन मसलों में आ जाए। इस वक्त देखिए, आपको अंदाज़ा नहीं है, इस वक्त हमारी सरहदों की जो सिचुएशन चल रही है, हमारा पाकिस्तान इस वक्त एक सैंडविच की शक्ल अख्तियार कर गया। एक तरफ इंडिया है जो एक बहुत बड़ा दुश्मन है और दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब कितना बड़ा हमारा मसला। इस वक्त हमें चाहिए कि अपनी फौजों को कंसंट्रेशन उनकी पोल हमारी सरहद की तरफ हो, क्योंकि कोई भी मिशिफ हो सकती है इंडिया की तरफ से हमारे पास। तो इस वक्त मेरे ख्याल से ये कहना कि जिस वक्त फौजें जो हैं वो बिज़ी इतनी ज़्यादा हैं कि आप आएँ और इन छोटी चीज़ों पे, ये तो हमने खुद देखी। दूसरी बात है, हमारी प्रॉब्लम फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है। 18th अमेंडमेंट के बाद मुताहिर साहब
सूबे जितने रिच हुए हैं आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। इसकी एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ, 2013 में हमारे टोटल पाकिस्तान के रेवेन्यू 2000 अरब थे और उसका 40% जो था वो सूबों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 2017 और 18 में 4000 अरब यानी कि डबल रेवेन्यू आए और उसका 40% चला गया। तो आप यकीन करें कि हमारे सूबों के पास खासतौर पे सिंध के अंदर कैपेसिटी नहीं है वो अमाउंट खर्च करने की। आपको अगर मैं ये फिगर बतलाऊं तो आप परेशान हो जाएंगे कि लास्ट ईयर जो फंड्स सिंध को मिले थे उसका सिर्फ 50% यूटिलाइज हुआ है। क्योंकि देखिए यूटिलाइज करने के भी तो कैपेसिटी चाहिए ना, आपको इतना बड़ा अमाउंट आ गया आप प्रिपेयर नहीं थे आप कर नहीं सके। सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिद बहस की जा रही है कि हम अगर सपोज़ कराची को वो करेंगे तो कराची बेनिफिट होगा, कराची ने हमको वोट नहीं दिया और जिनको वोट दिया है वो भी बैठ के सब देख रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे कौन सफ़र कर रहा है? कराची के शहरी जो हैं, कराची के शहरी सफ़र कर रहे हैं। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है आसिफ हसनैन साहब हैं, पाक से ज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक है। आसिफ साहब, कराची वाले अभी भी सफ़र कर रहे हैं, शहर की सूरत हाल सबके सामने बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आर्मी चीफ को कहा गया है कि आर्मी कराची के मामलात को टेक ओवर। क्या कराची के मामलात इतने गंभीर हो चुके हैं कि आर्मी को इधर बुलाया जा रहा है? आपकी आवाज थोड़ी स्लो, बहुत स्लो आ रही है बल्कि। आसिफ साहब अब आ रही है सही मेरी आवाज? गालिबन आवाज तकनीकी वजहों के बिना पर नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा कोशिश करते हैं बात करने की। बात करेंगे आपसे वीजे कोहली साहब, क्या फंड पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहा है कराची के ऊपर, सिंध के ऊपर? जिस तरह से अंदरूनी सिंध के मामलात बड़े खराब दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, लोग नस्ल कशी पे मजबूर हो चुके हैं। कराची की भी सूरत हाल कुछ ऐसी हो रही थी मगर कुछ बेहतर करने की कोशिश की गई, क्या फंड सही तरह से इस्तेमाल हुए? देखो इस वक्त जो सूरत हाल है खास तौर पर सिंध की, उसमें जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है बहुत सारा फंड ऐसा था, लेकिन ये अभी जो वफाकी गवर्नमेंट आई है, जो नेब गर्दी पूरी जो शुरू हुई है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू हुए लेकिन वो जो ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने वो अपना क्या कहते हैं यूटिलाइज करना था वो उस डर और खौफ के मारे अप्रूवल देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक अप्रूवल होती नहीं है, उससे पहले कहते नेब आ रहा है। तो एक चीज़ ये, दूसरा चीज़ ये कि मुझे बताएं कि जब इस वक्त सिर्फ आपको लगता है कि सिंध में या पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो कराची के कचरे का है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ बारिशें हुई, मसला हुआ, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चीजें हो रही है, बेहतर चीजें, लेकिन मैं बताऊं मैं आपको बताऊं उससे बड़ा मसला इस वक्त जो सिंध का है, क्योंकि मैं देहाती इलाके से मेरा ताल्लुक है, तो वो आज से 3 महीने पहले यहाँ अपना बलूचिस्तान से होकर अफगानिस्तान से होकर यहाँ वो टिड आए और वो करोड़ों के तादाद में है। उस वक्त वो अपना क्या कहते हैं ये दादू की तरफ से आए और सक्खर और रोड़ी तक जाके पहुंचे, खैरपुर तक पहुंचे। तो उस वक्त फौरी तौर पे, क्योंकि सारी जिम्मेदारी वफाक की बनती है, फौरी तौर पे सिंध गवर्नमेंट ने उनको खत लिखा कि भाई ये अगर बारिशें हो जाती हैं इस वक्त तो उनके जो अंडे हैं वो निकल आएंगे उनसे बच्चे और ये पूरे सिंध में फैल जाएंगे। इस वक्त मैं आपको बताऊं मेरे भाई ये बहुत बड़ा मसला है, वो नगर पार्कर तक पहुंच गए हैं। इस वक्त बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, क्या लग रहा है? इस वक्त वो नगर पार्कर तक पहुंचे हैं और उस पर ना कोई प्रोग्राम होता है ना उस पर बात होती है। सिंध गवर्नमेंट उसको कोई अच्छा वफाक के पास उसके लिए वो जो स्प्रे का वो जहाज होते हैं वो भी खड़े हुए हैं जो जुल्फकार अली भुट्टो ने खरीद किए थे, एक भी जहाज नहीं दिया, एक आया था जो सखर पे खड़ा हुआ है, हम चिल्ला चिल्ला के थक गए। जिस तरह से पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है जहाज भी खड़े हैं, स्प्रे नहीं हो रहा, तमाम मामलों को हैंडल नहीं किया। इनके पास जिस तरह अभी भाई ने कहा इम्तियाज़ साहब ने कि बेनतहा पैसा इनको दिया गया और 50% इस्तेमाल करके बाकी दे दिया, इससे पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। तो ये लोग खुद जब इस्तेमाल ना करना चाहें पैसा तो उसके बाद फिर किस बात का शोर है कि पैसा नहीं मिल रहा आ जाएगा तो भी पड़ा रहेगा। सारे पैसे मिल गए? देखिए मैं अभी पहले आपसे बात कर चुकी हूँ, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। अगर पैसा होता तो डेफिनेटली वो दे चुके होते। हमें अभी डेली बेसिस पे मुल्क को चलाना है, उसके लिए बेनतहा पैसे की ज़रूरत है और इनके पास जो पैसा है जो इनकी गवर्नमेंट को दिया गया है उसको इस्तेमाल करें। जहाज़ खड़ा है, स्प्रे कितने का आ जाएगा भाई, कितने करोड़ या अरबों का आ जाएगा? तो बजट तो रखा होगा ना, तो फिर बजट रखा भी जाता है। मैं ये बात कर कौमी खजाना खाली पड़ा है, उसके बावजूद बजट है और दिया जाता है और दिया गया है। इससे पहले ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा कि सिंध की हालात इन्हीं एक सालों में ख़राब हो गए, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए।
इससे पहले इन्होंने क्या किया, इनसे पूछें तो इनके पास कितना पैसा था, कहाँ गया, किस किन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया, किस तरह वो की अगर बात प्रोजेक्ट के ऊपर अगर बात तो प्रोजेक्ट की तो हालत बहुत बुरी होती हुई दिखाई दे रही है जगह जगह से। के इलेक्ट्रिक भी जो मामलाते हैं बिगड़े, 45-40 आदमी मर गया बिजली से, मगर विफाकी जानिब से कहा जा रहा है के इलेक्ट्रिक प्राइवेट इदारा, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल कर इस तरह नहीं कर सकते कि आप उनके ऊपर हुक्म चलाना शुरू हो जाएं, लेकिन बेहतरी तो लाई जा सकती है, उनको कहा जा सकता है कि आप देखें कहाँ पे कुंडे लगे हुए हैं, कहाँ पे इस तरह की वायर्स हैं जो बाहर खड़ी हैं, कि वो डिफेंस में 3 बच्चे मर गए, 20 साल नोटिस लिया विफाक ने किसी चीज़ का कि किस तरह से बंदे मर गए, करंट जारी रहा, चलता रहा, बिल्कुल लिया है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद अली जैदी से कहा है कि आप जाके तहकीकात करवाएं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, क्योंकि ये देखें बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है ये, इसको आप अगर पिछले 70 सालों में देखें तो कराची को, बार बार मैं यही बात करती हूँ, कराची को जानबूझ के नीचे किया गया, कराची को वाकई जानबूझ के नीचे किया गया। हर चीज में आसिफ हसनैन साहब हमारे साथ एक बार फिर टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, पाकिस्तान जमीन पार्टी से ताल्लुक है। आसिफ हसनैन साहब, क्या सूरत हाल है कराची की? सड़कों पर मौजूद है, कचरा भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है। मैं और मुस्तफा कमाल की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई कि आर्मी चीफ को यहाँ का कंट्रोल संभालना चाहिए, क्या मामला इतना गंभीर हो चुका है कि आर्मी को इधर मदो किया जा रहा है? देखें जी, कराची शहर की जो इस वक्त सूरत हाल है, अब तो किसी से डरी चुकी नहीं है। कचरा उठाने के लिए जब कराची के लोग मेयर को कहते हैं तो वो कहता है जी टैक्स ना दें, जब आप वो कहते हैं कि जी आप जो सफाई सुथराई करें वो कहता है सिविल ना फारवानी कर दें, जब वो लोग कहते हैं आलाइशें उठाएं ईद उल अज़हा पे तो वो मुस्तफा कमाल और दूसरों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। 4.5 साल हो गए इस मेयर को, और ख़ास तौर पर इस पूरे सिस्टम को आज दवाइयां दे रहे हैं। मेरा शहर कराची इस वक्त इस हालत में है कि इस वक्त हॉस्पिटल भरे पड़े हैं इस गंदगी की वजह से, डिजीज तेजी से फैल रही है जिसमें जो है मलेरिया और डेंगू वायरस का सिलसिला से शुरू हो गया है इतने बड़े पैमाने पे। वर्ल्ड बैंक कहता है 2025 के बाद ये शहर रहने के काबिल नहीं होगा जिस तरह की सूरत हाल है। तो होना तो ये चाहिए कि मेयर इस तमाम चीज़ों का जवाब दे। देखिए, तीनों जमातें जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं, इन तीनों की ये जिम्मेदारी है, कोई भी बड़ी जिम्मा नहीं हो सकता। लेकिन चाय पीकर आप सेल्फी खिंचवा रहे हैं, 3 महीने पहले नाले साफ करने थे, मेयर ने क्यों नहीं किए, सिंध गवर्नमेंट ने क्यों नहीं पूछा, फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं इस पे इनिशिएटिव लिया कि भाई ये काम मेयर को करना था, क्यों नहीं किया? आलाइशें पड़ी रही, आपने हमने सबने देखा, तापमान फैलता रहा और मेयर ने जो है वो, मगर मेयर साहब ने तो हाथ उठा दिया, हमारे पास ना इख्तियार है, ना वसाइल है, ना बजट है, और दूसरी जानब उन्होंने कहा है कि मुस्तफा कमाल साहब ने भी कोई काम नहीं किया, अगर किया होता तो आज कराची बेहतर नजर आ रहा होता। मुस्तफा कमाल ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो कौम को पता है। उस शख्स ने जो है न सिर्फ काम किया बल्कि इस शहर के इमेज को दुनिया भर में जो है वो बेहतर किया। दूसरी बात ये कि वो जो इख्तियार की बात कर रहे हैं, दो चीजें देखें, हम बिल्कुल मानते हैं कुछ चीजों पर वाटर बोर्ड से लेकर केडीए से लेकर केबीसी ये इख्तियारा बिल्कुल मिलना चाहिए, उसी तरह जिस तरह बीजिंग के लंदन के मेयर को या न्यूयॉर्क के मेयर के पास है। लेकिन जो दूसरी चीज है उसमें सफाई सुथराई के मामला, ये 38 जो नाले हैं ये डायरेक्टली बल्दिया के अंडर आते हैं जिनकी सफाई हर बारिशों में जो है 3 महीने पहले टेंडर होता है और 2 महीने पहले से सफाई शुरू हो जाती है। किसने मना किया है? 18,000 खाकरूप मौजूद है बल्दिया के पास, वो किसकी जेबों में हराम का पैसा जा रहा है, उसको क्यों नहीं रोडों पे लाकर सफाई करते हैं? आपको कचरा उठाने के लिए किसने मना किया है? 1 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट से तनख्वाहों की मद में मिलते हैं जिसमें से 70 से 80 करोड़ रुपए। सर, वक्त बहुत कम रह गया आसिफ साहब, वक्त बहुत कम रह गया है। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आर्मी को इधर मदो किया जा रहा है, क्या कराची का मसला इतना गंभीर है कि आर्मी को इधर मदो किया जाए? मेरा सवाल वहीं का वहीं मौजूद है। देखिए, कराची की जो इस वक्त सूरत हाल है बिल्कुल ऐसा ही है कि कराची में मुस्तफा कमाल का कहने का मकसद भी यही था, 8 एजेंसियां हैं जो कराची में रन कर रही हैं, अगर आर्मी चीफ इंटरवीन करेंगे मेयर समेत उन 8 एजेंसियों को जो कंटोनमेंट सिविल एविएशन और दीगर एजेंसियां उन सबको ऑन बोर्ड लेकर एक हिदायत देंगे कि शहर को साफ सुथरा करना है, तो मैं समझता हूँ ये सारे लोग ऑन बोर्ड होंगे। ठीक है, सारे बोर्ड ऑन बोर्ड होंगे अगर आर्मी ने आए और इस तरह से जो कराची की सूरत से बेहतर करे। आसिफ हसनैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया अपना ओपिनियन देने के लिए। इश्तियाक बेग साहब, क्या वाकई आपको लगता है कि आर्मी आएगी इधर और सब ऑन बोर्ड हो जाएंगे, मामला सुधर जाएंगे?
सर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि अगर आर्मी कहेगी तो सब सही हो जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे, वैसे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको नहीं निभाएंगे। मेरे ख्याल से आर्मी को, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनको अभी जो मसाइल के अंदर, वो आर्मी इस वक्त इतनी घिरी हुई है कि आप उसको अंदाज़ा नहीं है कि हमारा दुश्मन हमारे सर पे खड़ा हुआ है कश्मीर के अंदर, जो खून रेजी हो रही है, जो कश्मीरों के साथ हो रहा है, और हम बिल्कुल बेबस हुए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि ऐसे वक्त में कोई इस्लामिक कंट्री भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। अब नेक्स्ट वीक जो है दुबई के अंदर मोदी को, जिसके हाथ जो हैं मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं और सैकड़ों नहीं हज़ारों हैं, उसको वहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड जो है बुला के दिया जा रहा है। अगर उसको अवार्ड मिलता है तो जनाब हम एक मैसेज पूरी दुनिया को क्या दे रहे हैं मुसलमानों की तरफ से कि वो जो कश्मीर में कर रहा है, जो बाबरी मॉस्क में उसने किया है, उसके रिकॉग्निशन के अंदर हम उसको वो अवार्ड दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस वक्त हम जो हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं उसके अंदर सेंटर को उसी के अंदर रहने दें, हम ये अपने मसाइल को फिर हल करें। मतलब और के फोर का जो एक मसला है, के फोर का जो वाटर है उसको भी जो है कैसे हल होगा, कैसे बेहतर होता हुआ दिखाई देगा? देखो मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को, अगर वो कराची के लिए सिंसेयर है, अपने लोगों के लिए सिंसेयर है, तो हर किसी को अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। ये मौका परस्ती की सियासत को छोड़ना पड़ेगा। देखो जो अभी वो मेरा भाई बात कर रहा था, जो कल मेयर नंबर वन था, वो आज मेयर ने कोई काम नहीं किया। कब काम करेंगे अपने इख्तियार? नहीं नहीं, बात सुने, जो कल का सबसे बड़ा डाकू था, आज वो पीटीआई के साथ स्पीकर है। देखो जो पीटीआई के साथ चला जाता है, वो पीटीआई के साथ चला जाए वो सब दूध का दुला हो जाता है। मुझे ये बताएं कि जब वो थर में कहत था, खौफनाक कहत था, चार सालों से बारिश नहीं हुई, तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब वहां आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं चार यहां से फौरी तौर पे, वो एम्बुलेंस जिसके बड़ी बस होती है, जिसके अंदर सारी ट्रीटमेंट होगी, सारा कुछ होगा, आज तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई। उन्होंने कहा था कि मैं यहां इंसाफ कार्ड बस कुछ दिनों में भेज दूंगा, आज तक कोई इंसाफ कार्ड नहीं आया, एक टेबलेट नहीं आई। यहाँ जब कराची आए थे उन्होंने कहा था 162 अरब रुपए में, कराची की भी ऐसी सूरत हाल है, एक रुपया अभी तक नहीं आया। क्या पीएम को कराची की सूरत हाल देखते हुए कराची आना चाहिए दोबारा, और कराची का राउंड लगाने के बाद जो सूरत हाल है वो देखने के बाद कुछ अहकाम देने चाहिए उन्हें? देखिए कराची आना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। आजकल मीडिया इतना ज़्यादा हर चीज़ बार बार दिखाता है कि सारा सारा दिन वो कचरा हम घर में अगर बैठे हैं तो वो देख रहे हैं, तो आना ज़रूरी नहीं है, एक्शन लेना ज़रूरी है। और उसके लिए उन्होंने एक वफाकी वज़ीर को कह दिया है कि वो कचरा साफ़ करवाएं, और गुजर चुकी है, बारिशें गुजर चुकी हैं, बिल्कुल बीमारियां फैल रही हैं, सब कुछ लिया भी था क्या? बिल्कुल लिया गया है नोटिस। वो बार बार इस तरह थोड़ी लेंगे कि मैंने नोटिस ले लिया, जाहिर है उन्होंने एक चीज़ जिम्मेदारी दी हुई है, कुछ तो एक्शन लिया जाए। सिर्फ क्लीन कराची से तो मामला हल नहीं होगा। नहीं, सिर्फ क्लीन कराची से मामला हल नहीं होगा, लेकिन जब वफाकी वज़ीर साहब मिल के कर रहे हैं, उसके साथ बेइंतहा एमएनएज हैं, पूरे कराची के एमएनएज लगे हुए हैं, एमपीएज लगे हुए हैं, सब के सब काम कर रहे हैं और दिन रात काम हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हो रहा, हम देखते हैं वहाँ जाके भी और वैसे अदरवाइज तस्वीरें भी। कि सिर्फ जाके देखना, वज़रा को काम पे लगा देना, सड़कों पे मौजूद होना, इससे मामला हल होगा या सिर्फ मामला फोटो सेशन की बात नहीं है? बात यह है कि तस्वीरें तो आजकल हर बंदा हर लम्हे की खींचता है, ये सिर्फ किसी एक के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि जी वो फोटो सेशन कर रहे हैं, बाकी लोग भी इसी तरह करते हैं कि साफ़ सुथरे नाले में जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जी वो हो, ये तो हमने करवा दिया, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जाहिर करवाया वो हम लोगों ने होता है। मुझे पता है कि हमारे आफ्ताब सिद्दीकी साहब किस कदर काम कर रहे हैं, अली जैदी साहब किस कदर काम कर रहे हैं, और इनकी पूरी की पूरी टीम है जो काम करी, नालों के अंदर घुस के ये लोग लगे होते हैं कि वो तस्वीर देख के वो होती है कि किस तरह इंसान इतने बड़े कचरे में नज़र नहीं आते, वो भी तो काम तो कर रहे हैं, वो हमेशा से काम कर रहे हैं आलमगीर खान साहब, कोई आज तो नहीं उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन बात यह है कि जब इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ मामला है तो वो कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ मामला है। कराची का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, सब काम कर रहे हैं, सारे वज़रा काम कर रहे हैं, तमाम मशीन लगी, मगर कराची का जो मामला है वो जू का तू मौजूद है, सड़कों पे पानी मौजूद है, गड़े मौजूद हैं, लोग करंट लगने से अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 40-45 आदमी मर गया इस बारिश के अंदर, जिसकी पहले से पेशगोई की गई थी, कोई इकदाम दिखाई नहीं दिए, बारिश के बाद भी कोई इकदाम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, कराची में कचरा जू का तू मौजूद है, कैसे हल होगा? आज मुस्तफ़ा गमाल साहब की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई कि आर्मी को इस तरफ देखना चाहिए, क्या कराची का मसला इतना गंभीर हो चुका है कि इस जहाँ एलओसी पे इतना मामला बिगड़ा हुआ है उसके बाद आर्मी को यहां भी मदद किया जाए। हर मसले का हल आर्मी तो नहीं हो सकती, मगर इसको हल करने के लिए शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, कचरे को मखसूस जगह पे डंप किया जाए, और जो कचरा जमा हो रहा है उसके लिए भी जिस तरह से
डीएमसी को काम सौंपा गया है वो भी बेहतर अंदाज में होता हुआ दिखाई दे। उम्मीद करते हैं कि कराची जो पहले जिस शक्ल में मौजूद था उसको उसी शक्ल में बहाल किया जा सके, मौजूदा हुकूमत इस तमाम काम में कामयाब होती हुई दिखाई दे। मुझे मुताहिर जलीस और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।